करके इस मुकाम तक पहुंचा। मैं ऐसे मौके पर जहां तक ये बात आई है कि मंडल आय सिफारिशों के को लागू करने के लिए इस पर तफसील से चर्चा हुई है, तो मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि जो इस देश की आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद हम यहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले इस देश में ब्राह्मण 2.5 से 3% सरकारी नौकरियों में था और लगभग 40% सरकारी नौकरियों में था, मुसलमान 35 से 36% सरकारी नौकरियों में था और बैकवर्ड 0 था, जो हमारा 52 से 54% जहाँ तक संज्ञान में मेरे है वो लगभग 0 चल रहे थे और शेड्यूल कास्ट भी लगभग 0 चल रहे थे। लेकिन संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ 1947 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, देश का प्रधानमंत्री जब ब्राह्मण बनता है, जिनके हाथ में सत्ता आई, जो ब्राह्मण 2.5 से 3% सरकारी नौकरियों में था वो बढ़कर के 70 से 72% सरकारी नौकरियों में था। हमारा लाला बिरादरी घटकर के 4% हुआ, आज भी वो माइनस हो गया लाला बिरादरी। मुसलमान जो 35-36% था आज घटकर के आधा 1% बचा हुआ और हमारा 52-54% बैकवर्ड जितनी चर्चा शुरू से लेकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के मंडल आय सिफारिशों की बात आई है, तो उस समय की बात है जब शुरुआती दौर में कमीशन लागू हुआ तो स्वाभाविक बातें आई, हमारे अध्यक्ष जी मुखर्जी जी ने भी इसका जिक्र किया कि जाति आधार पर वहां जो दबाव पड़ा स्वाभाविक है, जो पहला कमीशन बना तो जाति आधार पर बात आई थी। जब पेश किया कि 1743 जातियों का मामला है भाई, कोई त्रुटि होगी संशोधन कर लीजिएगा, तो विद्वत लोग हैं, तो मेरा ये कहना था कि 3743 जातियों की जब बात आई तो स्वाभाविक है कि जब पूछा गया कि ये तो मंडल है, ये तो लागू हुआ है उस समय देश के प्रधानमंत्री परिवार नेहरू जी ने जब ये बात रखा, बात इसलिए है कि दबाव उसने रिपोर्ट जो दिया था कि जाति आधार पर देश में अपमान हुआ है, इसलिए जाति आधार पर असर होना चाहिए, लेकिन दबाव डाल करके वो रिपोर्ट बदलवाया गया कि हम इस बात से सहमत नहीं है, ऐसे नहीं बदला गया, जाति दबाव डाल कर बदलवाया गया। फिर आज मंडल आय सिफारिशों की बात आई तो आज आप कौन बातों पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी माननीय शरद यादव जी ने 2 साल या 2.5 साल पहले जब पार्लियामेंट में आवाज उठाया था तो उसमें ये बात आई कि लगभग 3.9% या लगभग 4.9 या ऐसी कुछ लगभग 5% कोटा खुला है, ये स्थिति। और शेड्यूल कास्ट का कोटा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 मिला करके लगभग जो है माना गया है कि 8% के भी कहीं आप अन्य पदों पर क्लास 1 क्लास 3 क्लास 4 में कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है, लगभग ये माना गया कि 8% लगभग कोटा खुला। सवाल इस बात का है कि आज के परिवेश अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहां जाना चाहिए, हमें बहस इस पर चलाना होगा। हमने आजादी के बाद क्या पाया क्या खोया, हमें इस पर चलाना होगा। हमारी चुनौतियां क्या है, आगे हमें करना क्या है, तो मेरा अनुरोध है, मैंने जो महसूस किया कि जो बात हमें कहना है कुछ बातें हम मन से नहीं कह सकते, जिसको लागू करना चाहते हैं तो बात कॉन्फिडेंशियल कैडर के माध्यम से आप अपनी बात रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है,
राजनीतियों के खेमे में काम कर रहे हैं, कहीं कहीं आपका दूर का रिश्ता होगा। क्या कभी आपने उसको टच किया? क्या कभी आपने अपनी भावनाओं को उसे उनके सामने रखा? यदि नहीं रखा, आपकी भी लायबिलिटी बनती है कि हमारा भाई नाराज होकर या लालच में दूसरे दुश्मन के खेमे में चला गया है और उसको ताकत दे रहा है, आप कमजोर हो गए। ये हमारी लायबिलिटी बनती है। हम तो बात करते हैं भाई, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है इस राजनीतिक जीवन में, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, मुझे हर जगह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात करते हैं हमारे तमाम लोग, अधिकारी कर्मचारी तमाम लोग भी। बाबा साहब का फोटो, भगवान बुद्ध का फोटो प्रेस कर जाओ घर में, तो सब मिलेगा। तमाम बड़े अंबेडकरवादी है, बड़े बुद्धिवादी है, लेकिन भूलवश लालमणि प्रसाद जैसे लोग कभी आगन में उनके घर जाने का मौका मिला, आगन में भी चल जाने का मौका मिला। उधर गणेश जी की भी मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है। ऐसे अंबेडकरवादी बुद्धवादियों से समाज का भला नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और आज कांवरिया, आज इतना हमारे जो बुद्धिजीवी है, इतना पढ़ते चले जा रहे हैं, इतना बुद्धिजीवी है, क्या आपका घूम का रिश्तेदार कांवरिया में जो जा रहा है, क्या कभी आप उसे कहने का जाकर समझा? क्या कभी आपने उसे भावनाओं अपने इतिहास के बारे में बताया? यदि नहीं बताया तो आपको इस पर भी गौर करना होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज अभी लगभग 72 साल में आपका कोटा इस बार 5% हुआ है, 52% जबकि हमारा मंडल आज कहता है कि 54% हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन रंगनाथ मिश्रा जी ने जो चीफ जस्टिस से क्या कहा कि 50% ऊपर रखा नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मुख्य साहब बैठे, क्या संविधान कहीं लिखा है 50% ऊपर रखा नहीं हो सकता है? नहीं लिखा है। तो हमें इस पर भी गंभीर तक हमारे लाइयर लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, इनका इसे बना करके या हमारे जो और बुद्धिजीवी हैं, इस पर भी हमें प्रयास करना होगा कि हमारा आचरण जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या के आधार पर हमारी बात होनी चाहिए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 52% हमारा बैकवर्ड कह दिया कि 50% और 27% हमारा पिछड़ा वर्ग। अब मैं कहना चाहता हूं कि 27, आप सोचिए कि 72 साल में 5% आपका पूरा हुआ, जिस रेशियो से चलना हम 27% बात छोड़ो 25% की बात कर रहे हैं, तो 72 साल में 5% 5 25 25, तो 25% छोटा पूरा होने 5 गुना देखा जाए तो 5 गुना 10 5 25 36 360 साल हमारे पटेल जी बैकवर्ड लोग, जब आप गेंदा रहोगे तब न जाओगे थे मेरा कोटा टूटा। लड़ाई किस बात की? हमारा शेड्यूल लगभग 8 3 24 27 23% 24 25% आबादी ज्यादा, 24% की बात करते हैं। यदि आपका कोटा जो है पूरा जिस रेशियो से हो रहा है, तो 72 में जो है 72 साल में 8% कोटा पूरा हुआ, ये 24% पूरा करने 8 3 3 गुना 16 साल हमारे शुरू का जो देना है निरंतर मिला। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम आचार विचार संस्कार और त्यौहार में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक काम चलने वाला। ये खान पान, बोलना चालना, उठना बैठना जो समाज की 6 संताएं हैं, आपको उसमें भी बदलाव लाना होगा। मैं तो अपने जीवन का एक उदाहरण देकर के मजबूरी में उदाहरण दे रहा हूं, तर्क मैं विधायक था 96 की बात, और मेरा भाषण सुन करके जब मैंने बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने सारे समाज के लिए अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार, हमने अपने बस्ती का उदाहरण देकर कहा कि बस्ती जिले में केवल देश आजाद नहीं था, केवल 19 जिलों को बड़े बड़े लोगों का आवर था, देश आजाद हुआ, हमने कहा 3 पार्टियां 45 लाख लोगों को भेज करता है, हमने कहा बाबा साहब ने सारे समाज के लोगों को, नहीं तो जो बातें प्रस्तावना में आई थी
उसमें तो तमाम लोग नहीं पाते, उससे ज्यादा भाग नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आगे भी फिर है कार्यक्रम। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अधिकार जो है पूरा नहीं मिला, जो भाषण सुन करके जब वो आए तो फिर हम तो 20 साल कैलाश नाथ यादव नाम का व्यक्ति कहें हम तो इतना 20 साल महात्मा के साथ काम कर रहे थे, हमने तो आज तक जाना नहीं कि हम बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया और कहा कि विधायक जी ऐलान करिए कि कैलाश नाथ यादव आज बहुजन समाज पार्टी के साथ। मेरे साथ दूसरे दिन प्रचार निकले, पीड़ा बता रहा हूं, एक यादव का गांव इंटर कॉलेज के मास्टर और उन्होंने कहा चलिए विधायक जी चलिए वहां चल चला जाए, हमने कहा मैं गया कल नहीं अब चलिए, मैं गया और यह हुआ कि पानी आ जाए, पानी पिला दिया जाए, सुनिए 7 शीशे का गिला, हम लोग 8 लोग थे, 8 में केवल मैं विधायक का चवाल जाति का सब हमारा यादव बहुत क्षेत्र का 7 यादव थे और मास्टर इंटर कॉलेज का मास्टर यादव वो 7 शीशे का गिलास लाया छोटा वाला और रखा कैलाश नाथ यादव जो नेता थे उन्होंने कहा कि विधायक जी पानी पीजिए, वो मास्टर ने क्या कहा अरे उनके भी विधायक के लिए आ रहा, बताइए गर्मी महीने शीशे गिलास में पानी पीने कितना कम टाइम लगे, वो लोग पी लिए, उन्होंने कहा छोड़िए चली चले लेता जी चला जाता कल लेंगे क्या। आपको बताओ 5 मिनट के बाद मिट्टी लगा हुआ भरुका जिसे गांव में बट्टा कहा जाता है भरुका कीचड़ लगा हुआ घर में से निकाल कर इंटर कॉलेज का मास्टर मेरे सामने आकर के बट्टा धो रहा था पानी लाया, हमने कहा कि मास्टर साहब इंटर कॉलेज के मास्टर होने जब लालमणि प्रसाद को आप इंसान नहीं समझते अपना बट्टा अपना वोट भी न देना हमें आपकी उनकी जरूरत है। और अलायंस टूटा था सपा बसपा का उसमें लालमणि प्रसाद जीता विधायक बना शासनकर्ता, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ कि पहले पिछड़े वर्ग के लोगों आप लड़ाई क्यों भाग रहे हो, क्या कभी आपने धर्म समझा, क्या आपने इंसान समझा, यहाँ तो आप चाहे पानी पिला लेते आज विकास पीने की भावना है वो दूर करना होगा आपको। आज भी गाँव देहात में तमाम जगह हमारा जो बैकवर्ड है तार के समान है टूट जाएगा लेकिन वो टूटना नहीं चाहता और जो अगले वर्ग के लोग हैं विधायक था एक जगह दरों शेड्यूल का सब और अगले ब्राह्मण का झगड़ा था और वो ब्राह्मण थानेदार था मेरे सामने क्या कहा उस ब्राह्मण को जिसने सफाया था शेड्यूल का जानते क्या कहा, अरे भाई पंडित जी पौधा पेड़ कब लगाया जाता समय देख करके चलिए सरकार बहुजन समाज पार्टी और सरकार आप बीएसपी सपा बसपा लाइन समय देख करके पौधा लगाइए, कहने का मतलब आप परिवर्तन लाइए। तो आज जो परिस्थितियां हैं मैं इसे शांति की पीड़ा को बताया बगल में बैठ करके लोग चाय नहीं पीना चाहते ये कब परिवर्तन होगा, आप 85% लोग होकर के 52% आपको तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को इकट्ठा पहले तो इतनी बड़ी संख्या है इकट्ठा यह हो करके आज हम पहले इतनी बड़ी संख्या बड़े हुए तमाम संगठन है आपके साथ करिए ना हजारों संगठन है 7 पांच की पार्टियां हैं 288 लगभग राजनीतिक दल के लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारे लोग तो दल बना रहे हैं सब बनाए हुए हैं कैसे परिवर्तन आएगा कैसे आप जंग जीतेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक बात आई है बीच में संविधान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे ध्यान रखिएगा। तो संविधान एक मुद्दा है जिसके तहत आप सारे लोग हम लोग चाहे हजारों सामाजिक संगठन के लोग हो चाहे राजनीतिक परिवेश के लोग हो राजनीतिक दल के लोग हो इकट्ठा होकर के हमें एक मुहिम चलाना होगा कि हमारा संविधान बचना चाहिए तब आने वाली और आगे आने वाली पीढ़ियां हम सुरक्षित रह सकते हैं नहीं तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं ऐसे मौके पर ज्यादा वक्त न लेकर के मैंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है आपके सामने और तो कोई मुद्दा नहीं जल्दीबाजी में मैंने इतने कहा कि आप एक बात और जो है सैर कह करके हाँ एक बात भाई आप परिवर्तन चाहते हो बाबा साहब को मानते हो भगवान बुद्ध को मानते हो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात किया है चलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात किया है भाई
जो अम्बेडकर वादी है सीधे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम नहीं मानते, हाँ ये दलित लोग हैं सब अम्बेडकर वादी है लेकिन मानते वही है। कैसे मानते हैं कहा है आप अम्बेडकर को मानते हैं, कहा आप अम्बेडकर को मानते हैं? ये खागल बुद्ध की धरती, हमारा देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता कहता बुद्ध की धरती से आए और यहाँ क्या हाल है, हमारी संस्कृतियां हमारी सभ्यता को तहस नहस किया जाए, हमें उस पर भी पैनी नजर कैडर के माध्यम से क्या कभी हम एक बात को बताते हैं कि हमारा जुल्म हमारा जो संघर्ष हुआ लगभग 5,500 साल में 3,500-1,500 वर्ष तक हमारे पुरखों ने संघर्ष किया और 5,000-1,500 संघर्ष करने के बाद हमारे पुरखे गुलाम बना लिए गए, जब आपस में लोग लड़ा करके कमजोर कर दिए हमारे लोग गुलाम बन गए और पहले गुलामी हमारे बैकवर्ड ने स्वीकार किया, पहले कहा तुम्हारे वहां पड़े फैकेवर्ड मल्लाह कर इन लोगों ने गुलामी स्वीकार किया, बाद में सुपर कास्ट के लोगों ने गुलामी स्वीकार किया, इसका नतीजा कि वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं हम उसको ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम ही के मूल निवासी है। आज हिंदू बनने की बात आती है जबकि संविधान में लिखा नीचे 300 और 342 के अनुसार यहाँ का SC ST OBC यहाँ का मूल निवासी है, ये जो है हिंदू नहीं है, ये लिखा होगा, लेकिन हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदू है हमारे लोग, आज हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ पर बांटा गया है देश को, हिंदू मुसलमान आज के परिवेश में आज हिंदू मुसलमान की बात ज्यादा हो रही है, हम लोग तमाम जगह अभी खास करके पहले की बात है गांव गांव आप जितने दफ्तर में है ना भैया इससे ज्यादा तैनात लोग जा जा करके गांव गांव उनके आरएसएस के लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप भूल रहे हैं, आप केवल एक भी साल भर के बाद हम मंच लगा करके लेकिन टाइम बाउंड प्रोग्राम आप बना करके साल भर में प्रस्तुत करिए ना लोगों के सामने, आप डायरी मेंटेन करिए कितना आपने कार्यक्रम किया है, कहाँ आपने काम किया है, अरे ये बात करते देने से थोड़ो काम दे रहे, सारे लोगों की जिम्मेदारी है, हम तो कहना चाहते हैं दूध बराज मत जाइए, अपने नाक का रिश्तेदार 20-25 है उनको संभाल लीजिए, मत जाइए दूध नाक पास रिश्तेदार को आप जो है आचार विचार संस्कार त्यौहार में बदलाव लाने के बात करिए, उनको प्रेरित करिए, ये वो बदल गए जान देना उनके रिश्तेदार वो बदले, लेकिन आप कहाँ बदल पा रहे, हम अपने परिवार को अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे, अपने बेटे को नहीं अम्बेडकर बात से प्रेरित कर पा रहे, हम जो है अपने और रिश्तेदार को नहीं समझा पा रहे, इस नाते मेरा आपसे अनुरोध है कि आज हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा से अपने से हमें संविधान के बारे में सारे लोगों को प्रेरित करना होगा और जो संविधान के लोग हैं जो मेरा आज एक और भी कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पर बैठे हैं साथी वो बताए कि वहाँ पर काउंसिल में लोग भी बैठे हैं कॉन्टेक्ट करके हम सामूहिक रूप से काम भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं काउंसिल के लोग भी रहते हैं, कोई हमारी लड़ाई लंबी है पटना से हम लोग हैं, इतना आसान नहीं है इतना चालाकी के साथ उसको काम कर रहे हैं, हमें उस तरह से उनके बीच चीज़ों को जान करके हमें उस तरह का काम करना होगा, कैडर टाइम के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है वो आपको हर पहलू पर आपको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज ऐसे मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आज इतनी बड़ी संख्या के बाद हमारा शेड्यूल कास्ट हमारी आज 2024 का भी लक्ष्य है, इस पर भी आपका 22 का लक्ष्य बीत गया, अभी दिल्ली में एक मीटिंग थी चर्चा होने के बाद उस पर चर्चा आई हमारा लक्ष्य, हमने कहा कि 22 का लक्ष्य लालकृष्ण प्रसाद जैसे लोगों ने चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोगों चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोगों जिन लोगों ने संपर्क किया और जहाँ तक था कि प्रयास के लोग भाजपा के लोग तो चाह रहे थे कि लालकृष्ण प्रसाद जी आप लड़िए महाराज से आप लड़े थे 10-12 हजार लोग चाहे थे, हमने कहा कि आप 100 करोड़ लालकृष्ण प्रसाद जैसे लोगों ने लाल महाराज की सरकार की रही थी डील वाले प्रकरण 2008 में तो लालकृष्ण प्रसाद को जो सम्मान समाज के लोगों ने एक एक रुपया सिक्के से जो तौला जो सम्मान दिया वो लालकृष्ण प्रसाद नहीं हो सकता है, हमने कहा कि लालकृष्ण प्रसाद जैसे लोग गिर गए तो फिर क्या होगा, लोग कहेंगे कि ये भी एक लालकृष्ण प्रसाद पूर्वांचल में अम्बेडकरवादी का भी चाहिए तथागत था ये भी बिक गया तो फिर कौन विश्वास करेगा, 100 करोड़
करोड़ जानते होंगे आप लोग पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया पार्लियामेंट के अंदर दिखाया और 17 सांसद भाजपा के 6 सांसद सपा तमाम निर्णय बिगड़े कितने रुपये में 100-100 करोड़ हमारी ये मांग 10 रुपये 20 रुपये होती जा रही है। आज 5 किलो अनाज पर हमारा समाज कहता है कि 5 किलो अनाज हम जी रहे हैं 10-5 रुपये पर 2000-2000 रुपये पर हम अपनी ईमान को गिरवी रखते हैं। इसलिए आज हम कमजोर हो रहे हैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमारा कमजोर होना चाहिए। और आज बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को खो दिया, क्या कोई मदद किया है हमने? तानसी राम ने अपने परिवार को नहीं बसाया और जिसने पूरी जिंदगी लगाया समाज को जगाने में, क्या अलग से कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे? क्या अलग से कांशीराम आएंगे? क्या महात्मा ज्योतिबा फुले आएंगे? क्या जो है आज ईवीएम और स्वामी नायकर आएंगे? क्या गुरु नारायण आएंगे? अरे आप ही डॉक्टर अम्बेडकर हो, आप ही कांशीराम हो, आप ही वो महापुरुष हो, आपके अंदर जो भावना है आप अपने विचारों से लैस करके जो है आप समाज को जगाने में करिए, लेकिन आने वाला इतिहास भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपका आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि लंबा लाइन बहुत कठिन दौर पर हम गुजर रहे हैं संक्रमण काल से, हम तो डिबेट गए मानी भोगेल साहब का भानु प्रताप सिंह जी का हमेशा हम लोग देखते रहते हैं क्योंकि दिल्ली तो कभी कम कम जाना होता है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे सामाजिक काम कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ विचारों से लैस हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा लक्ष्य निर्धारित करके आप लड़ाई नहीं करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। और लक्ष्य आज के परिवेश में 2024 मेरा अनुरोध है कि 2024 पर भी मनन करिए, लेकिन बंद कमरे मनन करिए, यही गलत है, लेकिन आप बिल्कुल जांच पड़ताल करके आप वास्तव में जो आप 1585 की बात थी कुछ बातें आई कि हमारे लोगों ने अरे भाई प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह ने लागू किया, दबाव पड़ा चाहे जैसे लागू किया, लेकिन अब तक उपलब्धि क्या हमारी है? 5% भी मानव 1% तो नहीं लिया, यही उपलब्धि है। कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा, अब तक उपलब्धि क्या है? मंडल आयोग लागू नहीं हुआ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो दलितों से बदतर स्थिति बताई गई माइनॉरिटी की, और शेड्यूल कास्ट का भी लागू नहीं हुआ। तो आज चाहे वो कांग्रेस का 55 साल का समय और इधर 8 साल भारतीय जनता पार्टी का समय, हमसे हमने कहा कि भाई अब कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार एमपी साहब अब तो प्रधानमंत्री जी ने माननीय योगी जी ने अब तो मान लिया कि हम बाबा साहब हमारे यहाँ बात साफ कर रहे हैं, उनके संविधान को मान रहे हैं। हमने कहा संविधान को मान रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल बाबा साहब के रास्ते चल रहे हैं। हमने कहा जब संविधान मान रहे हैं 8 साल शासन हो गया बैकवर्ड का पोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? बोलिए 52-54% बैकवर्ड है, 27% कोटा शेड्यूल कास्ट का कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? ये विषय है। तो मेरा पहला यही है कि जो हमारे भाई चाहे गुमराह होकर के जो दूसरे दलों में सत्ता में जो है जा करके आपको उनको ताकत दे रहे हैं और उनके लक्ष्य जैसे हर लोग अपने जाति का नेता पाने के बाद वो नहीं देख रहे हैं हमारा नेता कहाँ है, लेकिन उसके पीछे भागते हैं, इसलिए हम कमजोर हो गए। तो मेरा अनुरोध है कि बहुत बड़ा वो मूवमेंट खड़ा करने के लिए जो हमारे चाहे सामाजिक संगठन के लोग चाहे एक प्रदेश के ही ले लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद में जिन लोगों ने बनाया है सामाजिक संगठन, तो पहले कम से कम यहाँ पर एक जुट करने के बाद चीज करके लक्ष्य जो है 2024 का लक्ष्य यदि आप निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई किस बात की? क्या आप तैयार कर रहे हैं भाई? क्या आप मंडल आयोग के बारे में खाली बात करें, खाली बात करेंगे भाषण करेंगे और आगे 24 में हमारा क्या लक्ष्य होगा? हम कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, ये भी लक्ष्य आपके सामने रहना। अब चाहे वो राजनीतिक भाई ठीक है बड़ी अच्छी बात है, खुल करके बात होनी चाहिए। जैसे एक बात आई थी जल्दीबाजी में बामन मेश्राम साहब ने और उधर माननीय कुशवाहा सिंह जी ने, कौशिक कुशवाहा जी ने और ओवैसी जी ने तालमेल बनाया
और दो या दिन के बाद एक बार की बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज सिंह का आगरा का मुख्यमंत्री बनेगा, एक और दो ही दिन के बाद फिर उठ गया। ये वैचारिक जो विचारधारा के लोग समाहित होकर के जो विचारधारा सरकार में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा मैसेज भी दे दिया जाए कि हम कमजोर हो जाए, ये भी मेरा अनुरोध है। बहुत सोच समझ करते और या समर्थन कर दीजिए, मत बढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है। आज भी अभी देखिए दिल्ली मैंने कहा इस बात का जिक्र इस नाते आपके सामने कि अभी 10-15 मिनट का निर्देश हुआ तब मैंने इस बात को बढ़ाया, तो बात आई तो हमने कहा कि ऐसा है कि लक्ष्य तो 22 का ही लक्ष्य था, सपा का वोट जो है लगभग 32% मानी अपने शहरों को मिला और लगभग 13% वोट बहन मानती हुई बात है, 10% उसको 13% माने। हमने कहा इसलिए मैं समाजवादी से भी कह रहा था और बसपा से भी मिलकर के लड़े होंगे प्लानिंग में तो लगभग 45% वोट हमारा, तो बीजेपी तो वैसे भी तक पते नहीं जा रही, कहीं 200-500-400 ऐसे अपने ज्यादा हारे हैं तमाम सीटों पर, तो हर गया थी रोकने के लिए प्रयास मन साफ करके। अब एक सवाल आया था कि 19वें सपा बसपा के लोगों ने पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा और बाद में अलायंस टूट गया, ये भी बात आई थी, अलायंस हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जागरूक इंसान होने के नाते मैंने कहा भी था मन भाई बात नहीं सुनी जाए तो क्या करेगा, आप न हमारी बात सुने, हमारा काम है कहना, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मन साफ दोनों नेताओं का नहीं। जब 19 में दोनों नेताओं का मन साफ नहीं था, क्या मन साफ नहीं था, यदि मन साफ करके माननीय अखिलेश यादव जी ये कहे होते कि आगे जो है जब 19 में सरकार बनेगी तो बहन मालती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी और बहन मालती जी को बोलना चाहिएगा खूब करके सारे जगत गांवों में कि जब 22 का अलग सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, कहीं भी कोई दोनों नेताओं ने बात नहीं की, प्रोग्राम हुआ जिसका नाते जोशों खरोश तो रहा बैकवर्ड शुरू काश्मीर, लेकिन रिजल्ट जो है जब अच्छा नहीं आया बाद में अलायंस तोड़ दिया गया, चाहे बहन मालती की तरफ से तोड़ा गया चाहे अखिलेश यादव, हम उस पर कमेंट नहीं करना, लेकिन अलायंस अलायंस टूटने के नाते मन साफ करके बात की गई होती, मैं दावी साहब कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है यदि नहीं बनती लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार अखिलेश यादव की बनती, उसमें इनके लोग उप मुख्यमंत्री भी बनते, दोनों लोग मिलकर की सरकार बनाते, इस नाते जो कालांकी के साथ जो भी किया गया हम उसको कमेंट नहीं करना चाहते, अलग अलग सबकी परिस्थितियाँ हैं, इस नाते में मेरा अनुरोध है आगे के या तो भाई आप एक विकल्प है ये दोनों नकारा है, ये माननीय अखिलेश यादव भी नकारा है, बहन मालती नकारा है, तो आप मिलकर के थर्ड फ्रंट खड़ा करिए ना, बोलिए भाई लेकिन आत्मबल आपका मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आज का विकल्प करिए हमारी बात अच्छा। आज मैं ये कह रहा था कि ऐसा ना हो कि दो दिन के बाद से गड़बड़ हो जाए, पहले पूरा सोच समझ कर ठोक बजा कर 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगे, 8-10 बार 4-6 महीना में, अभी अब समय है 4-5 महीने के अंदर या तो आप मजबूर कर दो इन दोनों नेताओं को एक होने के लिए, मेरा अनुरोध है आपका दबाव हमारे पिछड़ों का दबाव इतना होना चाहिए कि वे मजबूर हो जाए एक होने के लिए, और नहीं तो आप विकल्प दो, लालमणि प्रसाद जैसे लोग हम लोग तो विकल्प की तलाश में हैं और हम लोग क्या दबाव, हमने कहा कि आप इकट्ठा होकर लड़े कोई जरूरी नहीं है, बहुत सम्मान मिला है समाज के लोगों ने दिया, लालमणि प्रसाद MP MLA ही नहीं तमाम लोग MP MLA नहीं बन पाए, लेकिन हम तो वो भी हमें सम्मान मिला है, इस नाते हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश का संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, इस संविधान को बचाने के लिए हमें आपको चाहे तो कुर्बानी देना पड़े, हमारे नौजवानों को, हमारे पिछड़ों को,
हमारे पिछड़ों को, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इसको बचाने के लिए आपको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और त्याग करना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं करके, आपने हमें सम्मान दिया और मैं मेरा आना सार्थक हुआ और मैं आपके भावनाओं से बिल्कुल ओतप्रोत हूँ और विनीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। ये दिल्ली में इनके दबाव के कारण आया नहीं, जैसे शख्सियत नाराज हो जाते तो आपको दर्शन नहीं होता। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बाबा साहब मानव कांशीराम साहब सहित उन सारे संत गुरुओं के चरणों में और जो आयोग जो हमारे मंडल जी आज दुनिया में नहीं है या बीपी सिंह जी जो आज दुनिया में नहीं है जिन्होंने लागू किया, सभी संत गुरुओं के साथ इन लोगों के भी चरणों में उपस्थित करते हुए हम अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।